बाकी सब प्रेजेंट तो ठीक है, लेकिन ये देखो कितना खूबसूरत है ये सिल्वर सेट, है ना उमा? जी हाँ, बहुत सुंदर है। हा? लेकिन दिया किसने? इस पे नाम लिखा होगा ना किसी का? अरे इस पे तो किसी का नाम भी नहीं लिखा है। खैर एक मिनट में पता करते हैं, सुनिए वन मिनट प्लीज। देखिए मेरे किसी अजीज ने ये बहुत खूबसूरत तोहफा मुझे दिया है, ये सिल्वर सेट, लेकिन इस पर देने वाले का नाम ही नहीं लिखा हुआ है। जिस किसी ने दिया हो अपना हाथ उठाइए प्लीज। कोई नहीं। अच्छा तो इसका मतलब यह है कि तोहफा देने वाला अपना नाम छुपा के रखना चाहता है। ठीक है, हमने भी सारी जिंदगी सच्चाइयों का पता लगाने में गुजारी है। अच्छा ये तोहफा जिसने नहीं दिया वो अपना हाथ उठाए। दीपा रबिश, पापा इतना कीमती प्रेजेंट ये भिकारन कैसे देगी? रानी 500-600 से कम का तो नहीं है, घर से कुछ चोरी करके बेच दिया होगा। रानी शर्म नहीं आती तुम्हें दीपा के बारे में ऐसी बातचीत करते हुए? गलत क्या है, सारी दुनिया जानती है कि ये चोरनी है। सच सच बता क्या चुराया तूने इस घर से? ये झूठ है, दीपा दीदी चोर नहीं है। चुप रहो तुम लोग, हट जाओ उसके पास से। दीपा तुम चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? रंगे हाथ पकड़ लिया है आपने, अब क्या जवाब देगी बेचारी? माफ कीजिए सिन्हा साहब, ये तो आपको पहले ही सोच लेना चाहिए था, घर में बबूल बोने से गुलाब के फूल तो कभी नहीं निकलेंगे। माँ, लड़की की साड़ी बदल देने से क्या लड़की बदल जाएगी? विक्रम, विक्रम, मैंने पहले ही कहा था किसी ना किसी दिन ये लड़की सोसाइटी में हमारी दाग जरूर कटवाएगी, क्या जरूरत थी इसे पालने की? पापा का बर्थडे ही मिला था इसे ये सब करने के लिए। पापा पुलिस को फोन करूं क्या? खामोश, चुप रहो तुम सब लोग। देखो दीपा, मैं उन लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूं जो नतीजों पर पहुंचने में जल्दबाजी करते हैं। जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो या तुम खुद ना कहो, मैं तुम्हें अपराधी मानने को कतई तैयार नहीं हूं। घबराओ मत, मैं समझता हूं तुम पर क्या गुजर रही है। इन बेरहम लोगों की अदालत में सब कुछ खामोशी से सुनने और सहन करने की तकलीफ मैं समझ सकता हूं। बोलो मुझे बताओ क्या बात है। अरे तुम्हारे बूंदे कहां गए? हैं? कहां गए तुम्हारे बूंदे? गिरवी रख दिए, बेच दिए ना अपने पापा का मनपसंद प्रेजेंट लाने के लिए। इसका मतलब है दीपा बेकसूर है पापा। हाँ मुझे तो एक लम्हे के लिए दीपा पर शक नहीं था, शक था इन सबको जो इतने दिनों बाद भी इसकी सारी कोशिशों के बावजूद एक शरीफ लड़की को दिल से अपना मानने को तैयार नहीं।